इस लॉकडाउन में अगर आपको गार्लिक ब्रेड खाने की बहुत इच्छा हो रही है लेकिन ब्रेड बेक करना आपको बहुत भारी काम लगता है तो आप इस पराठे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इस पराठे में मैंने गार्लिक ब्रेड का फ्लेवर दिया और इसे बनाना बहुत आसान है। 15 से 20 मिनट में ये पराठा बनके तैयार हो जाएगा और खाने में तो इस टेस्टी पराठे का कोई मैच नहीं है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। चिली गार्लिक पराठा बनाने के लिए एक बर्तन में हम 1.5 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 और आधा कप गेहूं का आटा लिया मैंने। फिर हम इसमें 1 छोटा चम्मच तेल और 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। दोनों को अच्छे से मिला दें आटा में और इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। तो जैसे रोटी का डो बनाते हैं ना वैसे ही हम इसे गूंद लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें। तो ये हमारा डो जो है वो बन के तैयार है। तो अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक हम गार्लिक का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे अदरक कूटने वाला जो बर्तन है ना इसमें 10 से 12 छिले हुए लहसुन की कलियाँ डाल दें और इसे अच्छे से क्रश कर लें। क्रश करने से लहसुन का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रश किया है। अब हम क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच बटर लेंगे। तो बटर यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे यूज़ किया है मैंने और इसमें ये क्रश किया हुआ जो बटर है, बटर नहीं ये गार्लिक जो है वो डाल देंगे। फिर हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच ऑरिगेनो डाल दें। इसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो यहाँ पर ये जो फ्री वाला चिली फ्लेक्स आता है ना मैंने वो यूज़ किया है, तो चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। तो गार्लिक ब्रेड में ये जो स्टफिंग यूज़ होती है ना गार्लिक की वो यही वाली रहती है। तो ये हमने बटर का पेस्ट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डो है इसे एक बार वापस ऐसे गूंद लेते हैं। तो डो को हमने स्मूथ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, लोई बना लेंगे। इतने डो में हम टोटल 4 लोई बनाएंगे क्योंकि हमें पराठे को लेयर वाला पराठा यानी लच्छा पराठा बनाना है। तो ये हमारी लोई जो है वो बनके तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं इसका पराठा बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये बटर का मिक्सचर रखा है मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट के लिए सूखा आटा या मैदा ले लें, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता या पुदीना पत्ता रख लें। अब हम एक लोई ले लेंगे और उसे ऐसे सूखे आटे से डस्ट करके और इसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे बड़े शेप में रोल करें, मतलब कोई ऐसा राउंड शेप ज़रूरी नहीं है, कैसे भी रोल करें बस बड़ा रोल करें और बीच बीच में जहाँ भी ज़रूरत पड़े वहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा दें ऐसे। अभी हम इसे कैसे भी रोल करेंगे तो चलेगा, बाद में जब फोल्ड करके हम इसको शेप देंगे ना तब आप इसे गोल बेल लें। तो यहाँ पे मैंने इसे बड़ा रोल कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि जो हमने गार्लिक का पेस्ट बनाया है वो ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ पे ब्रश से या फिर स्पून से आप इसे ऐसे अप्लाई कर दें और यहाँ पे मैंने बटर का पेस्ट लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहिए तो धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता को मिक्स करके लगाए, उससे और ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर धनिया पत्ता को हल्का सा ऐसे प्रेस करके चिपका देंगे और इसके बाद इसे फोल्ड कैसे करना है ये देखिए, एक बार इसे आगे ले जाना है फिर पीछे की तरफ रख के चिपका देना है, एक बार आगे और पीछे, जैसे पंखा बनाते हैं ना बचपन में हम कागज़ का पंखा बनाते थे वैसे ही इसे बना लेना है। तो ऐसे फोल्ड कर लेंगे और लास्ट वाला जो है ये इसे मैं ऐसे छोटा फोल्ड करती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसके बाद वापस थोड़ा सा ये जो बटर का मिक्सचर है वो लगा देंगे। अब हम इसे वापस एक बार फोल्ड करेंगे। तो दूसरी बार फोल्ड कैसे करना है, एक छोर पे ऐसे उंगली रखें और दूसरे छोर को ऐसे घुमा के उंगली के चारों तरफ इसे ऐसे राउंड राउंड घुमा दें और ये जो एंड पार्ट है ना इसे ऐसे लेके सेंटर में ऐसे रख के और बीच में दबा देंगे। फिर हम इसे हल्का सा चपटा कर देंगे। तो ये देखिए, तो ये हमारा लच्छा पराठा का जो बेस है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम बस इसे सूखा आटा से ऐसे डस्ट कर लेंगे और रोल कर लेंगे। पराठे को इस वक्त रोल करते वक्त ध्यान रखें कि इसे बहुत तेज़ी से नहीं रोल करना है, हल्के हाथों इसे शेप देना है। अगर आप इसे तेज़ी से करेंगे तो इसका शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसे हल्के हाथों हर डायरेक्शन में रोल करें। और यहाँ पर हमने धनिया पत्ता बटर वगैरह जो लगाया है वो अंदर चला गया है और ये हमारा पराठा जो है वो बनके तैयार है। बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं रोल करें। तो इसे मैं रख देती हूँ इस प्लेट में। अब हम सेम मेथड से और एक पराठा बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोई ले लेंगे, इसे हल्का सा चपटा करके ऐसे सूखा आटा लगा दें और इसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे। अगर आप लच्छा पराठा नहीं बना पा रहे हैं तो 2 पतली पतली रोटियाँ रोल कर लें और सेंटर में ये बटर का मिक्सचर लगा के और दोनों को चिपका के बेल के सेक सकते हैं, तो फ्लेवर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको वापस दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने बड़ी रोटी रोल कर ली है, इसके सेंटर में ऐसे ये बटर लगा देंगे और यहाँ पे बटर लगाने के बाद इसके ऊपर ये बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और धनिया पत्ता को हल्का सा प्रेस करके चिपका दे। फिर इसे फोल्ड करने का तरीका देख ले, एक बार आगे ले जाए फिर उसी के ऊपर पीछे ऐसे करके चिपका दे और जो एंड पार्ट है ना इसमें ऐसे फोल्ड करने से पहले बटर, धनिया पत्ता और थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे और इसे ऐसे रोल करना है। ये देखिए,
एंड पार्ट को ले जाके ऐसे सेंटर में दबा दें और उसके बाद हल्का सा प्रेस करें। आप चाहिए तो पहले से ऐसे लोई बना के रख लें और जब आपको खाना है तो गर्मा गर्म पराठे सेक लें। ये देखिए ऐसे बना के आप रख सकते हैं। तो अब हम इसे रोल कर लेते हैं। तो रोल करते वक्त जैसे मैंने बताया कि हल्के हाथों इसे रोल करें। और ये मैंने दो पराठा रोल कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो पराठा सेकने के लिए तवा गर्म किया है मैंने, तवे के ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा पकने के बाद पलट दें और फिर इसके दोनों साइड तेल या घी लगा के इसे सेक लेंगे। हमने इसमें ऑलरेडी बटर यूज़ किया है तो ये पराठे जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपको कुरकुरे पराठे चाहिए थोड़े क्रिस्पी वाले तो आप इसमें तेल की जगह घी का इस्तेमाल करें यहाँ पर सेकते वक्त। तो यहाँ पर इसे पलट दें और दोनों साइड मैंने तेल लगा दिया है, वापस पलटें। इस पराठे में बहुत सारी लेयर आएगी, मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि जैसे जैसे पकना शुरू होगा ना इसकी एक एक लेयर जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इस पराठे को मैदे से बनाएंगे तो ये पराठा और भी खाने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये देखिए पराठे की जो लेयर है ना वो सारी निकलना शुरू हो गई है। ये देखिए किनारों से, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एक एक लेयर निकल रही है ना। तो हमने ये गार्लिक ब्रेड के टेस्ट वाला ये जो लच्छा पराठा बनाया है ये खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है। इस पराठे के साथ किसी भी सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसे ऐसे ही खाएं। तो ये हमारा एक पराठा बनके तैयार है, दूसरा पराठा भी सेम प्रोसेस से हम सेक लेंगे। पराठे को हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है, लो फ्लेम पर इसे नहीं सेकें, मीडियम फ्लेम पर ऐसे पलट पलट के घी या तेल जो भी आप यूज़ करें उसे लगा दें और उसके बाद ऐसे सेक लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पराठा, ये देखिए इसकी लेयर जो है वो अलग हो रही है। तो यहाँ पे हमने दो चिली गार्लिक पराठा बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके सर्विंग के प्रोसेस में। तो मैं इसे हरी मिर्च के अचार के साथ, थोड़ा सा केचप भी रख देती हूँ, जो भी आपको पसंद है उसके साथ आप इस पराठे को खाएं। तो ये हमारा कुरकुरा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी लेयर जो है ना मज़ेदार देखने में, और बनाने में कितना आसान है, कितना सिंपल है। तो जब भी आपको कुछ अच्छा खाने का मन हो और ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा नहीं है तो आप इस आटे की आसान और टेस्टी पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये पराठा आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।